नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी द्वारा रचित कहानी सती। ये आईएससी सिलेबस हिंदी सिलेबस में आती है। इससे पहले मैंने सती कहानी का सारांश पढ़ा था, आज मैं सती की संपूर्ण कहानी पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सती। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो मौत की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला और उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य तीन नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं थीं। पुरुष सहयात्रियों की नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। दो महिलाएँ आ चुकी थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया, महाराष्ट्रियन थी, दूसरी पंजाबी, और तीसरी मैं, और चौथी अभी नहीं आई थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरु पर्वत से ऊंचे ठसे ठसे होल्डाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होल्ड डालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। ना कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, ना सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्रियन महिला ने अपने वृद्धाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में दो तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तालीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर व्रत पर टिकाती। झुंझलाकर सुराहीदान टिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही। परेशानी काफी हद तक दूर कर सकती थी क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काट की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज दुपट्टा यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सही खुदरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर दो तीन लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते, पति की कमीज में बटन टाकते या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं है जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल खाली की दरारों से मलिन कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक था, स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ को कि किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का तो कोई परेशानी नहीं उठता था। स्वयं स्वल्प भाषिनी सुंदरी प्रौड़ा ने हम में से किसी के भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखन की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपेटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी में बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में सात मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में था दोहड़ी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी।
उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वनोलकर। और वास्तव में थी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फिर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक उसी समय हमारे साथ की चौथी महिला को डिब्बे में ऐसा लगा गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी हुई थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वह महिला फद से सीट पर लुढ़क गई। उनके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओफ, लगता था गाड़ी छूटी जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने भी चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा भी घूरना उन्होंने भाप लिया। कैम्बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं, वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे ऐसे ही घूरते हैं। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझी पर हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रुखे उत्तरों के चाटे धर दिए। महाराष्ट्रियन महिला ने हिंदी नहीं जानता क्या, पीठ फेर ली तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया, कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम राम, दुर्घटना हो गई थी क्या, उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी नाक होने पर भी पठानी सी गठिश कसे शरीर की लावण्य में यह गति यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति पर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे, वहीं एक एम्बुलेंस के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। क्या तो मृतदेह अब मिली, मैंने पूछा। हाँ हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई, बर्फ में दबी थे, सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सुपर्ण खासी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा, महाराष्ट्रीयन महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबा खजूर का पेड़ कटा और ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में, सुपष्ट अंकचारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल बुनकर राख हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है, क्या आप नहीं जानती, खादीदारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो गई है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर पड़ती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर क्या मैं सती हो गई। सिली सेंटिमेंट, यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह दय दिन दुखियों के कैसे काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बहन ना, मदलसा ने करवट बल दी, मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय रे मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह मर्दाने रुमाल में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी।
समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा ने बड़ी उदासी से हंसी, धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा जी भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग तो हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राममोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी घिसा कर देकर सती हो गई थी, और मैं नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठी तो स्वयं चिता ही धू धू करके जल उठी, फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों को कह गई। आइए, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों ने एक बार फिर आश्चर्य उद्धति गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसलखाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में बंद गए। अजीब औरत है, क्या आप सोचती है कि सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाले कभी ढिंडोरा पीटकर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका स्क्रू ही ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की और उंगली घुमाई। इस जमाने में कोई सती फती नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीदारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी तो इसे बचाया जा सकता है। इतने ही में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन ग्राम नदी नाले पुल कूदती फाती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाली। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगा थी। क्षण भर में सती प्रथा चल रही भैंस कपूर के धुएं की भांति हो गई और चटाचट नाश्ता दान खुल गया। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटी छोटी स्टीम की कटोरियां सजाने लगे। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? बाजी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चकते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदान कचौड़िया, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थी, रायता था, चटनी थी और थे ठस ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफर का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से ही लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के सदा युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की पांखे थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्ते दानों को जीप से चाट कर गई। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद में भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे, इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शाहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा इलायची और नींबू सुपारी से फंसा दिया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस चल गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। ना जान्यू जानकी ना थे सावरेशु थावनु छे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बहन, भैंस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद पहले कभी नहीं आई थी, और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरो के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं, और साड़ियाँ क्या क्या रंग, कैसा चिकना रेशम,
साड़ियों की विशाल उधड़ी में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे, पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाक से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खुली तो सती गायब। हाय रे मेरे स्टील के बक्स, मिसेज वनोलकर बर्थ से उतरकर ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था, लगता था वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है, उनका गला भर्रा गया। हाँ ठीक ही तो कह रही है, मुझे कोई सावन के झूले की ऊंची ऊंची फेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था, पंखे के चारों और बल्ब के चारों और छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं में लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसू, कभी दाढ़े मारकर रोने की तड़प थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी अवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकर मुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाते हैं। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लूट गई, मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है, बटुआ। और ले भी क्या जाए, सामान तो पुस्तानी 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में यही सामान्य से गृत आहुति दे पाई थी। चैन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती, पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल भी नहीं चुन पाई। तो यह कहानी थी शिवानी जी द्वारा रचित सती।